गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर आशीष और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये टॉपिक है इंडोक्राइन ग्लांड्स। ये आप डायग्राम यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये डायग्राम है इंडोक्राइन ग्लांड्स का। ये ग्लांड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में और सभी एनिमल में भी होती है। तो इस डायग्राम में आप देख भी रहे हैं सबसे ऊपर क्या होती है, पिट्यूटरी। बट इसके पहले क्वेश्चन में यहाँ पे अपडेट किया है, ये मैचिंग क्वेश्चन है। ये सभी हार्मोन्स है, जैसे इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, कॉर्टिकॉइड्स है एंड ग्रोथ हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन, इसकी कमी से जो डिसीज होती है तो उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। थायरोक्सिन की कमी से जो डिसीज हो गई नाम है गोइटर। कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, इसकी डेफिशिएंसी से जो डिसीज होगी नाम है एडिशन डिसीज। और लास्ट है ग्रोथ हार्मोन, यदि बॉडी जीएस के लेवल ज़्यादा तो डिसीज होगी एक्रोमेगेली। इसके अलावा जो इंसुलिन हार्मोन, ये बॉडी रिलीज कहाँ से होता है, तो नाम आएगा कि पेंक्रियास की आइसलेट ऑफ लैंगरहंस की बीटा सेल से। और इस हार्मोन्स का नेचर क्या है, तो वहाँ पे आंसर आएगा पेप्टाइड हार्मोन्स। और इंसुलिन हार्मोन बॉडी में क्या करता है कि जो ग्लूकोज का लेवल है उसे कम कर देता है। तो एक कंडीशन भी होती है हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, इसके अलावा अंडर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ये बॉडी में क्या होता, काफी समय तक इंसुलिन की कमी होती है तो उससे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे इस बीमारी को डायबिटीज मेलिटियस। ओके, इसके अलावा जो कॉर्टिकॉइड हार्मोन है ये रिलीज कहाँ पर होता है, जो बॉडी में किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक ग्लांड होती है जिसे बोलते हैं एड्रीनल ग्लांड। इसका जो बाहर का पार्ट है इसे बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टेक्स। तो एड्रीनो कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है कॉर्टिकॉइड। इसके अलावा इस हार्मोन्स का जो मेन इम्पोर्टेंस है, ये बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसके अलावा बॉडी में जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स है उसे मेंटेन भी करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो जीएच हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, तो इसमें एक हार्मोन है जो वहाँ पे मेंशन था एक्रोमेगेली। यदि बॉडी में जीएच का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो डिसीज होगी तो उसका नाम है एक्रोमेगेली। इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, फेस पे आता है, फेस में काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो बोलते हैं कि ये कंडीशन क्या है, तो वो आएगी एक्रोमेगेली, जीएच का बॉडी में लेवल ज़्यादा होना। हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसे होते हैं नॉन न्यूट्रेंट्स केमिकल। इसके अलावा इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, इंटर सेलुलर मैसेंजर। तो ये डेफिनेशन है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रेंट्स केमिकल्स दैट एक्ट एज इंटर सेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस ट्रेस अमाउंट। इसके अलावा एक हार्मोन्स और है रेनिन। रेनिन एक हार्मोन्स होता है, रेनिन एक एंजाइम होता है, बट यहाँ थोड़ा तो मीनिंग में डिफर है। तो यहाँ बात हो रही है हार्मोन्स की, RENIN। ये बॉडी में रिलीज कहाँ से होता है, किडनी से। और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, बॉडी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड से प्रेजेंट कहाँ होती है, किडनी के अपर होते हैं, इससे हार्मोन रिलीज होते हैं एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंडोजन हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से, जबकि मेडुला से रिलीज होता एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलाइन। ये हार्मोन रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से। तो ये यहाँ पे हार्मोन्स मेंशन किए गए, एड्रिनल कॉर्टेक्स का और एड्रिनल मेड्यूला का, दोनों पार्ट के हार्मोन्स यहाँ पे मेंशन किए गए। पीनियल ग्लांड्स, पीनियल ग्लांड्स से जो मेन हार्मोन्स रिलीज होता है उसे बोलते हैं मेलेटोनिन। और इसको बोलते हैं हम जो मास्टर क्लॉक भी बोलते हैं। इसका इफेक्ट कहाँ पर होता है, आपकी बॉडी में, इसे बोलते हैं कि क्रूशियल रोल इन आवर बॉडी इंटरनल क्लॉक। तो ध्यान रखिए इसके हार्मोन्स का, मेलेटोनिन वहां भी मेंशन कर दिया था। इंसुलिन को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन। और ये बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसे मेंटेन करता है, तो इसे बोलते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ओके, और इंसुलिन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसिमिक फैक्टर। इसका इफेक्ट कहाँ पर होता है, बॉडी के एडिपोसाइट सेल और दूसरा हेपेटोसाइट सेल। हेपेटोसाइट का मतलब होता है लीवर सेल। ओके, यदि पूछा जाए हेपेटोसाइट का मींस क्या है, तो वहां पे आंसर आया लीवर सेल। और इसके अलावा इस ग्लांड से जो हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन और दूसरा नाम है सेरोटोनिन, ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं पीनियल ग्लांड से। ये टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है।
और यदि पूछा है इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, तो वहां पे आंसर आया इपीथैलमस नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि सपोज पूछा है लोकेशन ऑफ पीनियर ग्लैंड, तो आंसर आएगा इपीथैलमस नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ओके, सो शेयर दिस लिंक, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर दिस लिंक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।